नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सही जानकारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों ये जो वीडियो है ये उन अभ्यर्थियों के लिए बनाया जा रहा है जो लोग आर्मी भर्ती का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते थे लेकिन दोस्तों उन्होंने जो ईमेल आईडी डाला था या जिस किसी से भी फॉर्म भरवाया था उसने आपकी गलत ईमेल आईडी डाल दी थी जिस वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हो सका है कहने का मतलब यह है कि जो आपको ईमेल आईडी आपने रजिस्टर्ड की थी वो अब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी सारी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं कुछ तो समय पहले मैंने सेना में भर्ती होने के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था इस पर एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप लोग इस वेबसाइट पर आकर के उस पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं साथ ही दोस्तों यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं तो दोस्तों आपको एक समस्या आ रही होगी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है यदि आपके पास वह ई मेल उपलब्ध नहीं है तो भी आप सेना में भर्ती के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है फिर आप सही जानकारी डॉट कॉम पर भी विजिट करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और दोस्तों आपको पर पर आप यहां पर जो देख पा रहे हैं सबसे ऊपर आर्मी रिक्रूटमेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड सेना में भर्ती एडमिट कार्ड के लिए यहाँ क्लिक करें क्लिक इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना दोस्तों ये पेज खुल जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप जो सबसे ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पर यह जो कैप्चा है इसको आपने यहाँ पर फिल कर देना है और इंटर वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा तो आपको यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपसे यूजर आईडी मांगा जाएगा तो आपका जो भी इसमें रजिस्टर्ड ईमेल आईडी था सिर्फ आपको वो यहाँ पर पूरा डाल देना है अब आपने जो भी पासवर्ड बनाया था या बनवाया था वो आपको पासवर्ड के कालम में डाल देना है उसके बाद दोस्तों ये जो नीचे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको आपने यहाँ जो नीचे ये कॉलम दिया गया है इसमें आपने फिल कर देना यानी कि भर देना है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना आप जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं बाई तरफ आपको साइड में एक एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपके सामने नया पेज खुल जाएगा दोस्तों इस पेज में जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको लास्ट में इधर राइट साइड में प्रिंट का ऑप्शन दिखा इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है जैसे ही आप इसके ऊपर प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर एक नया पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा और आपको सबसे लास्ट में जाना है और इसे डाउनलोड कर लेना है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ ये लास्ट में इसको आप डाउनलोड कर लीजिए उसके बाद दोस्तों इसको प्रिंट कर लीजिए तो ये थी जानकारी आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा कृपया इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ आने वाले अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत